नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और आज हम लोग खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर और आज हमारे साथ सारिका जैन जी मौजूद हैं। मैम, पहले तो लाइव न्यूज़ दिल्ली पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको और आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैम, जिस तरीके से पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश के अंदर एक नारा दिया गया अभी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और वहीं यहाँ पर जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो पंजाब जाते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा और यहाँ की सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। वही मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आकर के शराब के ठेके खोलते हैं और ख़ास तौर पर ये कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए अलग से ठेकों की व्यवस्था कर दूंगा, पिंक ठेके वो खोलने की बात करते हैं। तो ना तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नज़र आती जो ये कहती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ पर लड़कियों के हक़ की कोई बात नहीं कर रहा। सेकंड, जो आम आदमी पार्टी के जो हमारे माननीय प्यारे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, कहते हैं कि मैं महिलाओं की बहुत चिंता करता हूं, उनकी सुरक्षा की बहुत चाह है, उनको देखभाल करता हूं, अपना बेटा बताते हैं दिल्ली को। तो आज जब वो शराब के ठेके खोल रहे हो, खासतौर पर पिंक ठेके महिलाओं के खोलने के लिए बात जब वो करते हैं, तो आप भी एक महिला हैं तो क्या जहन में बात आती है कि क्या ये निर्णय उनका ठीक है? और ये जो दिल्ली का जो बेटा अपने आप को कहते हैं कि क्या कोई बेटा अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए नशे के दरवाजे खोल सकता है क्या? देखिए, आपने कभी गिरगिट का नाम तो सुना ही है, कितने रंग बदलता है। तो चुनाव के टाइम पे कुछ और होते हैं और वैसे ऑर्डिनरी जब लाइफ होती है तो कुछ और होते हैं। पंजाब में हर महिला को वो 1000 रुपये देने का वादा करके आए हैं, अभी थोड़े टाइम में देखना वो वादे सब धूमिल हो जाएंगे, जैसे कि दिल्ली में हुआ। दिल्ली में देखा कि महिला विरोधी सरकार है केजरीवाल सरकार, सारी महिलाएँ आज विरोध में खड़ी हैं। हर वार्ड में इन्होंने 3-3 शराब के ठेके खुलवा दिए। पहले 250 शराब के ठेके थे और आज की डेट में 850 शराब के ठेके हैं। उसके अलावा 3000 ठेकों को और परमिशन दी गई है। ठेके मतलब जैसे बैंकेट हो गया, बार हो गया, ये सब चीज़ों में 3000 की क्वांटिटी और हो गई, तो कुल मिला के लगभग 4000 शराब के ठेके। आज मैं जहाँ से भी गुजरती हूँ तो कहते हैं, मैडम आपके पास इतना बड़ा मुद्दा है, आप क्यों नहीं केजरीवाल को कुछ बोलते हो? तो आज इतना रोष प्रदर्शन है ना महिलाओं में, बहुत ज़्यादा। और कल हम 3 जनवरी को चक्का जाम कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। तो मैं सभी महिलाओं को और सभी बच्चियों को जो 21 साल से ऊपर है, सभी को आग्रह करती हूं कि वो आएं और हमारे साथ अपना रोष प्रदर्शन करें और दिल्ली में चक्का जाम करके ये बताएं केजरीवाल सरकार को कि आप एक निकम्मी सरकार हो। आप महिलाओं की सुरक्षा का वादा करके आए थे, आप वाईफाई लगाने आए थे, आप बसों की संख्या बढ़ाने आए थे, आप हॉस्पिटल्स बनवाने आए थे, आप स्कूल्स बनवाने आए थे, लेकिन आपने क्या किया? जहरीली हवा दे रहे हो, जहरीली दवाइयाँ दे रहे हो और जहरीला पानी दे रहे हो। आप किसी काम के नहीं हो। सारी महिलाएं आज सड़क पर हैं, आज जहाँ से भी गुजरो महिलाएं रोष प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है दिल्ली की। पंजाब में भले ही वो सीटें जीत गई हों, लेकिन उसका कोई फर्क दिल्ली पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली ने रियलिटी देखी है केजरीवाल सरकार किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। आप झुग्गी बस्तियों में जाओ, वहाँ के टॉयलेट्स की हालत देखो, बहुत गंदे तरीके से महिलाएं आज विवश है उन्हीं टॉयलेट्स में जाने के लिए। मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, मैं देखती हूँ झुग्गियों में कितनी बुरी हालत है आज। आज महिलाएं रोती हैं वहाँ पर कि हम कैसे जाएँ, टूटे फूटे पड़े हैं टॉयलेट्स, तो बहुत ही बुरी हालत है। और आपने बोला पिंक जो शराब के ठेके हैं, आप एक बात बताइए, पिंक शराब के ठेकों में लड़कियों को जाने की अनुमति होगी और उसमें 30% की छूट होगी। अब जो माँ बाप पीते हैं शराब या उनके भाई पीते हैं, तो वो मार के अपनी बहनों को बोलेंगे जाओ 30% की छूट है, तुम ही लेकर आओ, तो वो घर में ऐसे अत्याचार सहेंगी। झुग्गी वाले जो उनके पति हैं, जो वो काम पर जाती हैं महिलाएं, वो घर में भी पीटेंगी और बाहर जाकर दिन में काम भी करेंगी, तो उनके लिए तो दोहरी मार हो गई। घर में जो पैसा वो कमा कर लाएंगी वो भी उनके पति छीन लेंगे, मार भी खाएंगी और काम करने भी जाएंगी, तो वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगी? ये शिक्षा का मॉडल बाहर जाकर दिखा हैं, तो क्या शिक्षा का मॉडल है? क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर शराब की लत में पड़ेंगे। आज अगर मेरा बेटा यंग है, युवा है और वो शराब की लत में पड़ जाता है तो उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरा बेटा आज इंजीनियरिंग कर रहा है और खुदा ना खास्ता वो किसी संगत में, ऐसी संगति में पड़ गया जहाँ पर शराब पीते हों बच्चे, तो मेरा बेटा, मैं क्या सोचूंगी कि मेरी किस वजह से हुआ? केजरीवाल सरकार की वजह से, क्योंकि ये तो सरकार के अंडर में। आप खोलो शराब के ठेके की एक लिमिट होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड शराब की नदियाँ बहा दो। केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि हर नल में पानी आएगा, लेकिन क्या आ रहा है? शराब आ रही है। हर नल से शराब का उन्होंने जो सोचा था वो आ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना काल में केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। वो जिस समय घर घर में दवाइयाँ पहुँचनी थी, उस समय कैसे शराब घर घर तक पहुँचाई जाए उसकी नीति बना रहे थे। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दुर्भाग्य दिल्ली का कि ऐसा हमें CM मिला है। मैम, क्योंकि हम बात करते हैं इक्वलिटी की जब महिलाओं की बात आती है कि लड़कियों को लड़कों के समान बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं केजरीवाल उस अधिकार को, जैसे पुरुष नशा करते थे तो एक इक्वल पे ले आते हैं कि लड़कियां भी नशा करेंगे दिल्ली के अंदर, उस रास्ते पर तो दिल्ली को नहीं ले जाना चाहते ये लोग? देखिए, दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे। जब शुरू में आए थे तो बोलते थे मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, तो ना तो इन्होंने एयर प्यूरीफायर कहीं पर लगाए हैं, ना इन्होंने स्कूल खोले हैं, बल्कि 16 स्कूल जो पहले मौजूदा स्कूल थे उनमें से भी 16 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये वादा करते थे मैनिफेस्टो में, मैं 1000 हॉस्पिटल्स जो ICU बेड है वो लगाऊंगा, लेकिन आज तक एक बेड भी नहीं लगाया। जबकि कोरोना काल की दूसरी लहर चली गई, तीसरी लहर आई है, उसमें भी उनको कोई ध्यान नहीं। आपने बोला महिलाओं को शायद इक्वलिटी में लाना चाहते हैं, कैसे इक्वलिटी में लाएंगे? मतलब शराब पीकर ही लड़कियाँ इक्वलिटी में आएंगी? उनको अच्छी शिक्षा, आज देखो आप स्कूलों में जाओ, सरकारी स्कूलों में जाओ, वहाँ पर मैथ नहीं है और साइंस नहीं है, तो कैसी हमारी लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी, कैसे इंजीनियर बनेंगी, कैसे डॉक्टर बनेंगी? तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है महिलाओं की भी। आज महिलाएं रोज प्रदर्शन पे है, हमारे साथ धरने पर बैठती हैं, वो कहती हैं मैडम बहुत गंदा हो रहा है दिल्ली में, बहुत बुरा हाल है। तो इक्वालिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ और हमारे साथ थी सारिका जैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और दिल्ली के नेता भी हैं, इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज जहां पर एक तरफ हिंदुस्तान की नारियां, महिलाएं चांद पर जा रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी उन्हें शराब के ठेकों की ओर ले जाना चाहती है। देखना यह है कि क्या ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों पर पानी फेर देगी और दिल्ली के युवाओं को और महिलाओं को नशे की लत में पड़ने से बचा पाएगी। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ दिल्ली। लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए। आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।